वेलकम टू लवली किचन। आइए मेरे साथ में, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक मस्त वाले हक्का नूडल बनाऊंगी, जो कि मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि किसी शायद मेरे जैसे पंजाबी होंगे, उन्होंने बोला पंजाबी स्टाइल के देसी वाले हक्का नूडल सिखा दीजिए। तो मैं बनाती हूँ घर पे, मैं कैसे बनाती हूँ देखिए। और मेरी जुगनी देखी कहाँ बैठी मेरे चरणों में, ये मुझे खाती है मेरे पाँव को, लास्ट वीडियो में देखा ना आपने। तो अब मुझे ध्यान से चलना पड़ता है कि कहीं इसका प्रोग्राम सेट ना हो जाए, ये नीचे ही बैठती है। चलो जल्दी से, मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया है क्या क्या लगता है। देखिए गाजर, शिमला मिर्ची कट कर ली है, लहसुन, ग्रीन चिली, स्प्रिंग ऑनियन कट कर लेने हैं, और ये वाले कोई भी आप हक्का नूडल ले लीजिए, और साथ में ये सारी जितनी भी सॉसेस है ले लीजिए। और मैं साथ में मैं कट करने वाली हूँ ये वाले प्याज भी, दो तीन प्याज कट करके भी डालूंगी, और बनेंगे मस्त वाले नूडल। और मुझे आपको ये अपनी कढ़ाई दिखानी है, ये हमेशा सबने बोला है कि ये आपकी कढ़ाई कौन सी वाली है, सबने पूछा, तो आज मैं आपको ये कढ़ाई दिखा देती हूँ। देखिए ये है कौन सी, नाम पढ़ के बताओ, मेयर, मेयर ब्रांड की है, ऑनलाइन मिल जाती है, अच्छी रहती है कढ़ाई। ये वाली मैं इसमें बनाने वाली हूँ, क्योंकि हर बार काफी क्वेश्चन आते हैं कि ये किस ब्रांड की है, कौन सी कढ़ाई है, तो मैं भूल जाती हूँ, आज याद था तो मैंने आपको दिखा दिया। ये ब्रांड का नाम दिखा दो यहाँ से, मेयर, MEYER। चलो हम शुरू करते हैं अपने बनाने नूडल्स। अब इसमें प्लेन वाला आपको कोई भी ऑयल ले लेना, एक चम्मच, दो चम्मच, जितना भी आपको नूडल है वो हिसाब से लेना है। ये मैं छोटे वाले 3 चम्मच लूंगी, और इसको एकदम गर्म हो जाएंगे तो हम डालेंगे अपना लहसुन और प्याज, एकदम तेज गरम। और नूडल जो चाइनीज बनते हैं एकदम कढ़ाई एकदम तरतर करती गरम होती तो अच्छे बनते हैं, ये गरम होते हैं तब तक मैं प्याज काटती हूँ, फिर हम बनाते हैं अपने नूडल। चलो मेरा एकदम तरतर करता तेल रेडी है, अपने लहसुन और ग्रीन चिली इसमें डाल दूंगी। बच्चों की आवाजें ना आए, चाइनीज का मजा नहीं आता। साथ में ही डाल देंगे अपने प्याज भी, फटाफट डालने, देखिए ब्राउन लहसुन ज्यादा काले नहीं करने, झटपट फटाफट दो दो चीजें आपको सब डाल देनी है, स्प्रिंग ऑनियन भी साथ में ही डाल देने है, रुकना नहीं है बिल्कुल। हर चाइनीज वाली खुशबू आना स्टार्ट कर, चाइनीज का मतलब है कि आपको ब्रेक नहीं देनी है, जो भी है सब सामान फटाफट डालते जाइए, क्योंकि झटपट तभी बनते हैं। मैंने नूडल में नमक वमक कुछ नहीं डाला, एक ही बार इसमें डालूंगी अपना नमक, और शिमला मिर्ची भी साफ नहीं जाएगी, गाजर भी साफ, तो थोड़ी गाजर कम लेनी है ताकि मीठा ना लगे, क्योंकि हम लोग पत्ता गोभी नहीं खाते इसमें अच्छी नहीं लगती हमको, आप लोग पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं अगर पसंद है तो, नहीं तो शिमला मिर्ची आप ज़्यादा डालिए, ग्रीन चिली लंबी लंबी कट करके उसको उसमें ज़्यादा ऐड कीजिए, कोई भी पीस वैसे बड़ा रह जाए तो उसको पतला कर दीजिए, देखिए बड़ा रह गया मेरा, इसको मैं कट करती हूँ, बहुत ही सुंदर और टेस्टी बनते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा आपके टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी देखिए चिली फ्लेक्स, एकदम टीस्पून है छोटा वाला, थोड़ा सा डालूंगी ऑरिगेनो, ये दो मसाले मैं आपको दिखाने भूलगी, ये देखिए थोड़ा सा ऑरिगेनो कम डाल रहे हैं, चम्मच देखिए कौन सी है, एकदम टीस्पून है छोटा वाला। अब मेरा आएगा ये मेरा अंदाजा, ये जाएगा मेरा सोया सॉस, देखिए कोई नाप तोल नहीं, कोई चम्मच नहीं, और ये थोड़ा सा जाएगा विनेगर, आपको जिस टेस्ट के हिसाब का खाना वैसा डाल लीजिए, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ, ये वाला रेड चिली जो क्या बोलते हैं इसको, चिली सॉस थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा ग्रीन चिली, आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं सब डालना, है तो डाल लीजिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अभी गैस को एकदम तेज ही रखना है, ये जो सब्जियों का क्रिस्पी है ना, क्रिस्पीपन वो नहीं, ऐसे जो वेजिटेबल है ऐसे नीचे सो नहीं जानी चाहिए, सिंपल भाषा में बोलूं उनको नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसे खड़ी खड़ी जानी चाहिए, एनर्जी में रहनी चाहिए, पूरी क्रिस्प उनका जाना नहीं चाहिए। अब मेरे नूडल देखिए, इसमें ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डाला हुआ है, अब मैं डायरेक्ट देखिए इसको उठाऊंगी, देखिए एकदम सिंगल सिंगल,
और इसको उठा के इसमें ऐड कर दूंगी। हम लोग थोड़े सॉफ्ट खाते हैं इसलिए मैंने ऐसे थोड़े सॉफ्ट रखे हैं, ज़्यादा कड़क वाले हम लोग नहीं खाते। दो हाफ चम्मच को कर देंगे मिक्स। केवी असल में लगेंगे हमको दो चम्मच, तभी खुल जाते हैं इसमें से। इसके बाद आपको कलर और चाहिए, सोया सॉस और चाहिए तो खा के आप टेस्ट करेंगे फिर डालिए। आपको देखने में कलर अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से, ये देखिए। ऐसे आप दो चम्मच दे देंगे और इसको खुला खुला कर लीजिए अच्छे से। एकदम शाइन आ गई। अब इसको ब्लैक टोन, आपको इसका कलर थोड़ा और चाहिए तो सोया सॉस, मैं सोया थोड़ी और डालूंगी। देखिए थोड़ा सा सोया सॉस देखिए और डाल दिया और ये हो गए मस्त मेरे नूडल्स रेडी। अब मैं इसको करती हूँ प्लेट और आपको दिखाती हूँ बनाइए। नूडल्स हो गए रेडी, अब मैं करती हूँ प्लेट, देखिए बनाइए खाइए। खाली एक ही बात का ध्यान रखिए, शिमला मिर्ची खूब सारी डालिए, खूब सारे लंबे लंबे प्याज डालिए, स्प्रिंग ऑनियन डालिए, ग्रीन चिली लंबी लंबी डालिए और लहसुन डालिए और थोड़ी सी विनेगर जो भी सॉस है वो डालिए, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। दोबारा इसलिए बताती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं भूल जाते हैं फिर मेरे से क्वेश्चन करते हैं, इसलिए दोबारा बताती हूँ ध्यान से। देखिए रेडी, आवाज़ें आ रही हैं एकदम मस्त होटल जैसे रेडी। अब मैं करती हूँ प्लेट, प्यारे बच्चों को बना के खिलाइए और बच्चे तो खुद भी बना के खा सकते हैं। प्यारे से सुंदर फूक के साथ खाइए, चम्मच के साथ खाइए। देखिए ऐसे आप लोग खाते ना इसे, इसको बनाइए खाइए घर के हक्का नूडल मस्त वाले, बच्चों को अच्छे लगेंगे। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।